Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, अपने जमाने की बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री अंजना मुमताज ने अपने करियर में फिल्मों में कई यादगार किरदारों को जीवंत किया है जिन्हें दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। बता दें कि 74 साल की अंजना मुमताज का जन्म 4 जनवरी 1945 को हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बंधे हाथ से की थी। बता दें कि अभिनेत्री अंजना इस फिल्म के बाद अभी तक के करियर में त्रिदेव, निगाहें, चमत्कार, फूल और कांटे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और धड़कन जैसी कई फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री अंजना मुमताज को फिल्मों में उनके अभिनय और किरदारों की वजह से तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि उनका एक बेटा है जो फिल्मों में नजर आ चुका है। उनके बेटे का नाम रुसलान मुमताज है, जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। रुसलान मुमताज बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं और उन्होंने अपने करियर में जाने कहां से आई है और जबरिया जोड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया है। बता दें कि रुसलान ने फिल्मों के साथ साथ टीवी शो में भी काम किया है, जिनमें लाल इश्क नाम के शो में टीवी पर नजर आ चुके हैं।